हेलो फ्रेंड्स, मम्मी की टेस्टी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर की रेसिपी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 1/3 कप अरहर की दाल ली है। इसे फ्रेंड्स मैंने 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अब हम फ्रेंड्स इसे आधे घंटे के लिए पानी डालकर भीगने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पानी मैंने मिला लिया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। देखिए आधा घंटा हो गया है, दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से भीग गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने दाल को एकदम फ्रेश पानी में भिगोया था, इसलिए मैं ये पानी फेंकूंगी नहीं, इसी पानी को मैं यूज़ करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये पानी बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1/3 कप दाल ली थी, तो मैंने उसका डबल पानी यूज़ किया है। इसमें फ्रेंड्स मैं 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो हमारा सारा पानी बाहर आ जाएगा। अब मैं इसमें फ्रेंड्स 1/4 टीस्पून हल्दी डालूंगी, और कुछ नहीं मिलाना है हमें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस टाइप का कोई भी छोटा सा बर्तन लीजिए, जिस प्रेशर कुकर में हम अपनी दाल बॉईल करेंगे वो उसके अंदर फिट हो जाए। फ्रेंड्स अब हम इसमें अपनी सारी वेजीज ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 गाजर लिया है, इसे भी इसमें मिला देंगे। थोड़ी सी फ्रेंड्स घिया, लौकी, थोड़ी सी मटर फ्रेंड्स, 1 छोटा आलू। फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अपने बच्चों के लिए स्पेशली बना रही हूँ, तो उन्हें बीन्स गोभी वगैरह कम पसंद है, तो मैंने नहीं डाली है। आप इसमें फ्रेंड्स अपनी पसंद से कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इस बाउल को वेजीज, जो हमने जिस बाउल में वेजीज डाली है उसे हम अपने कुकर में इस तरह से दाल के बीच में रख देंगे। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने सब्जियां इस तरह से क्यों रखी है। फ्रेंड्स ये सब्जियां रखने के हमारे 2 फायदे हैं। फ्रेंड्स एक तो हमारी सब्जियां भी कुक हो जाएंगी, और जो दाल बनाते उस समय जो हमारा एक्स्ट्रा पानी निकलता है वो भी नहीं निकलेगा, और हमारी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगी। और फ्रेंड्स जो भी हमारी सब्जियों में फ्लेवर होता है ना, वो भी बिल्कुल इसी में रहेगा, वो सब्जियां हमारी सारी मैश नहीं होगी। अब हम फ्रेंड्स कुकर की लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटी आने तक इसे अच्छे से कुक करेंगे। आइए दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बिल्कुल सारी सब्जियां अच्छे से बॉयल हो गई हैं। अब हम इसे एक किचन क्लॉथ की हेल्प से निकाल लेंगे। बिल्कुल आराम से निकालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बाउल बहुत गर्म है, और इसे एक तरफ रख देंगे। ये देखिए दाल भी हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। आइए सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप किया है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, थोड़ी सी फ्रेंड्स मैंने प्याज की इस तरह की फ्रेंड्स ये देखिए ऐसे पेटल्स निकाल लिए है सांभर में। फ्रेंड्स जो आप रेस्टोरेंट्स में सांभर खाते हैं उसमें इस तरह की पेटल्स होती है। फ्रेंड्स ये है उड़द की दाल, 2 बड़े चम्मच उड़द की दाल है, ये भी फ्रेंड्स सांभर में बहुत ज़रूरी है। 2 टेबलस्पून फ्रेंड्स सांभर मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फ्रेंड्स 3 बड़े चम्मच इमली का पानी। फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है सांभर में, क्योंकि सांभर में जो टेस्ट आता है इमली के पानी का वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून सरसों के दाने, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, पिंच ऑफ हींग। चलिए सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे फ्रेंड्स, कढ़ाई में फ्रेंड्स हम 3 टेबलस्पून 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें सरसों के दाने मिलाएंगे और अपनी उड़द की दाल। फ्रेंड्स अब उड़द की दाल को अच्छे से हमें सरसों के दानों के साथ भूनना है,
जब ये बिल्कुल सरसों के दाने हमारे अच्छे से चटक जाएंगे उसके बाद हम अपने इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखिए हमारी दाल और सरसों के दाने बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें फ्रेंड्स 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता और हींग, इन सभी को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें फ्रेंड्स कटे हुए प्याज डालूंगी। प्याज को भी हमें सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भूनना है। प्याज को हमें फ्रेंड्स ज़्यादा रेड नहीं करना है, इसे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हल्का पिंक होने तक ही भूनेंगे। बस इतना ही हमें इसे भूनना है कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स हमारी प्याज पिंक होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें फ्रेंड्स 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे। फ्रेंड्स हल्दी हमने कम इसलिए डाली है क्योंकि हमने दाल को जब कुक किया था उस टाइम भी हमने इसमें हल्दी डाली थी फ्रेंड्स। और हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स ये डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसमें फ्रेंड्स कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को सभी चीज़ों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए और अब हम इसे फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ अच्छे से पकाना है, जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं ये अच्छे से मैश ना हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स हमारा टमाटर कितना मैशी हो गया है और ये देखिए फ्रेंड्स ऑयल भी रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें फ्रेंड्स अपनी सब्जी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कलर। अब फ्रेंड्स हम इसमें मिलाएंगे इमली का पानी और फ्रेंड्स अब इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट सांभर मसाला। फ्रेंड्स अब इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलाकर हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इसे बिल्कुल कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी सब्जियां मसालों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें फ्रेंड्स जो हमने पैटल्स काटी थी प्याज की वो भी इसमें डाल देंगे और अब अपनी कुक करी हुई दाल भी इसमें मिला देंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से मिला दीजिए। फ्रेंड्स सांभर की कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको थोड़ा थिक सांभर खाना है या पतला, लेकिन फ्रेंड्स जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो तो बिल्कुल पतला ही होता है, इसलिए मैं फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। इसमें फ्रेंड्स मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और अब हम इसमें फ्रेंड्स नमक डालेंगे और इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक और अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सांभर और फ्रेंड्स इसका कलर देखिए, है ना बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का सांभर मिलता है ना फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में। फ्रेंड्स मैंने सभी सब्जियां और दाल मिलाकर इसे बाद में फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से कुक किया है और अब हमारा सांभर बिल्कुल रेडी है। चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स आप सांभर में अपनी पसंद से कोई भी वेजी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।